मेरे हस्बैंड कोई ब्रिगेडियर या सीओ नहीं थे जो इतनी सैलरी या इतनी पेंशन आती हो कि मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊँ। हाँ, उतनी आती ही गुजारा हो जाए। मैं रेंट के मकान पे रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन फीस, हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है एक औरत को अपने बच्चों को पालना। अरे रिश्तेदार बहुत हैं पर किसी का भी साथ नहीं देते। दीदी सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, जय गुरु जी, प्यारी संगत को सबको। क्या नाम है दीदी आपका? शीतल। तो शीतल दीदी ये बताओ कितना टाइम हो गया यहाँ पे लगाते हुए? मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ जी। शुरुआत कैसे हुई इसकी? मेरी बेटी है छोटी। हाँ। तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं उसे टाइम देना चाहती थी और जॉब मेरे को इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जॉब से जो कि अच्छी गुजारा हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया कि मैं अपनी बेटी को टाइम दे पाऊँ, अपनी बेटी के साथ खेलूँ, ये सारा रीज़न था। और हस्बैंड ना होने के कारण ही ये सारी चीज़ें की है। पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो एक औरत टूट जाती है, कभी घर से नहीं निकलती ना, अपना कोई खोता ना, तो सब एक दिन आके डेरा लगाते हैं कि हम हैं। यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार बोलेंगे कि हम सहारा देंगे। दूसरे दिन कम हो जाती है वो भीड़, तीसरे दिन बिल्कुल कम हो जाती है। जब चौथा 13वां होता है ना, जब वो भीड़ नज़र नहीं आती, सिर्फ एक औरत और बच्चे नज़र आते हैं, कि वो ये कहती है कि अब कोई नहीं, सिर्फ तू है, ठीक है। जब तो वो दिखाई नहीं देते, तीजा करने के बाद तो दिखते ही नहीं, कोई भी नहीं दिखता, ठीक है। वो दर्द, वो सब कुछ मैंने सहा है। मेरे भाइयों, तो मैं ये कहती हूँ, बार बार मुझसे मत पूछा करो कि तुम्हारे हस्बैंड किस में थे, क्या करते थे। भाई मैंने सहा है, एक छोटी सी बच्ची के लिए, दूध के लिए भी तरस है मेरे बच्चे। देखो वो नहीं रहे, मानती हूँ, पेंशन भी लेट आई, कोविड आ गया, सब कुछ आया, मैंने सब कुछ सहन करा, लेकिन मैं टूटी भी बहुत। लेकिन कहते ना, हिम्मत उस बच्चे को देख के एक माना लाश भी उड़ जाती है। वो ईश्वर से इतनी गुजारिश करती है, जब मर भी जाती है ना औरत, तब भी गुजारिश करती कि मैं इस बच्चे को दूध पिला दूँ, मेरे मालिक उतनी ताकत दे। जो बिजली टूटी है मेरे पे, वो कोई नहीं संभाल सकता, खुद को ही संभालना था। अब ईश्वर ने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का भी है। क्योंकि देखो मैं बार बार यही कहती हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था ना, मानते ना, मैं तो एक नॉर्मल रोटी बनाने वाली ही कहते थे ना लोग, भाई वहाँ खाना बिकता है, ऐसे ही ना। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, इन सांसों पे अधिकार है ऊपर वाले का। तो मैं कहती सभी हम प्यार से प्रेम से रहें, उस मालिक का गुणगान गाएं, और यही कहूँगी कि ये चीज़ें बार बार ना पूछी जाए। फैमिली में भी कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं। एक औरत टूट जाती है, कभी घर से नहीं निकलती ना, तो उसको छोटे छोटे काम आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैं ये ऐसे नहीं है, ये काम करूँ, ये करूँ। वो कहीं ना कहीं वो मतलब मैं कहते हैं ना, कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों का पेट पालूँ, भरूँ। तो आपने क्या शुरू किया था सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी कपड़ों को लेके। अच्छा। हाँ जी, मैंने कपड़े खरीदे थे, तो रेडीमेड कपड़े गली गली में बेचने जाते थे। कैसे बेचते थे वो आप? कहाँ? वो स्कूटी पे बेचती थी। हाँ जी, स्कूटी पे बेचती थी। तो आपने जीवन में हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं मानी। देखो उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर मैंने ये चीज छोड़ने के बाद एक शॉप भी ली थी, ठीक है। फिर वहाँ पे कहते ना, देखो हर इंसान बोलता है कि नहीं मुझे ये टेस्ट चाहिए, ये कलर चाहिए, माँ वो पूर्ति नहीं कर पाई कपड़ों की। हालांकि नुकसान कुछ नहीं था, पर मैं कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाई थी, तो कहीं ना कहीं से फिर कर्जे में उलझी चलेगी, बहुत उलझी। फिर लास्ट में मैंने वो छोड़ दिया। जॉब ढूंढ रही थी तो फिर मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी, 8,000-10,000, और फिर टाइमिंग 12 बजे, तो फिर मैंने कहा नहीं, तो मुझे जॉब नहीं देखेगा। बिल्कुल, मेरी छोटी बेटी थी तो मैंने नहीं सोचा। तो फिर धीरे धीरे कहते ना, गुरुजी ने शायद इसी में मुझे सफलता देनी थी। यहाँ पे ना मुझे पाजी मिले हैं जो यहाँ पे खाना एंजॉय करें। तो सरदार जी सबसे पहले तो सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। तो सरदार जी मुझे मेनू दसो कि कितना टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे आप? मैं पाजी रियल दसा था, मैं डे फर्स्ट को आ रहा जो इन्होंने स्टार्ट किया। डे फर्स्ट से? हाँ जी। और मैं तो आप वैसे यहाँ पे क्या जॉब करते हो? यही रहते हो? मेरा ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है पाजी, ये नाली। अच्छा। डी आई डी ओ
तो पाजी ये बताओ कि खाना कैसा लगता है, लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? देखो सर, कईयों के मन के डाउट होंगे कि यार पता नहीं किदा है किदा नहीं, सिखा के कुछ बुलवा रहे हैं, इदा तो कुछ है इदा तो कुछ नहीं है। मैं तो कहना एक बार आओ अपने डाउट्स क्लीयर करो, बहुत अच्छा खाना है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर वाला जेन्यून टेस्ट आता है, घर जहाँ टेस्ट है और मसाले बिल्कुल नॉर्मल हैं। जिन्हें मन के डाउट है कि हाँ कुछ सिखा के बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो एक बार आके अपने डाउट्स क्लीयर करें, और नेचर बहुत अच्छा दीदी का सब तो मेन गल है जी। तो आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है यहाँ पे? मैं ज़्यादा प्रेफर मैं देता हूँ जो वीरवार को बनाते हैं ना कढ़ी चावल, तो वीरवार को मैं थाली नहीं खाता, मैं सिर्फ कढ़ी चावल ही खाता हूँ, वो तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू भाजी। ये बासमती राइस है? तो ये प्योर बासमती राइस यूज़ करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? नहीं, देखो ये भी मैं नहीं बोलूंगी कि मैं झूठ बोलूंगी इस वीडियो में, पहले मेरे पास बासमती चावल नहीं थे। अच्छा। मेरे पास था लक्ष्मी चावल। ठीक है ठीक है, ये कुछ भाइयों ने मेरे को हेल्प दिया उसके वजह से ये चावल लाए हूं। बहुत बढ़िया। ये तो आप अगली आइटम क्या आने वाली है? दाल है, लाल मसूर की दाल है। अच्छा जी, और साथ में और क्या रहने वाला है? ये आलू बैंगन की सब्जी है, देख लीजिए। देख सकते हो ये आ गई आलू बैंगन की सब्जी जी। ये मैं दाल लगा रही हूँ। ठीक है, गुरु जी की प्यार भली थाली। अच्छा, बहुत प्यार से भरी हुई थाली। मैंने सुना दीदी आप लोगों को अनलिमिटेड खिला रहे हो। बिल्कुल। और ये कौन सी सब्जी आ गई? आलू बैंगन। ये आ गए आलू बैंगन आ गए। तो जी ये कौन सी सब्जी आ गई? ये राजमा। तो ये आ गए राजमा आ गए। टोटल तीन तरीके की सब्जी मिलेगी इसके अंदर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सैलेड है? ये आ गया सैलेड आ गया, और अब आएंगे राइस आएंगे इसके अंदर। सर एकदम खिले खिले बासमती राइस आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, क्वालिटी जो है ना टॉप नॉच क्वालिटी है, बिल्कुल घर जैसा खाना है। और भैया ये 6 साल बाद चावल खाया है मैंने भी, मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ ठीक है, 6 साल के बाद ये चावल खाने को मिला है तो सोच सकते हैं। तो दीदी ये थाली कितने रुपए की रहेगी? ये 70 रुपए की थाली है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है? हाँ जी। तो जितना मर्जी ले लो? हाँ जी, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति, लेकिन रोकोगे तो नहीं, टोकोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, पूछ सकते, किसी से भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम आके पूछ सकते हो आप, मैं यही कहूँगी जब तक मैं यहाँ हूँ। एक बार टाइमिंग और लोकेशन बता दो। 11-12 के बीच में आ जाती हूँ यहाँ पर, और मयूर विहार पॉकेट 1 के पास हूँ, पिंक लाइन और रेड लाइट पिलर नंबर 21।